मेरे पास है आईफोन 5, 2018 चल रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा था कि यार ये फ़ोन क्या 2018 में अच्छी चॉइस है या नहीं। तो मैंने ये फ़ोन ख़रीदा और ये तकरीबन 4 दिन से मेरे यूज़ में है और मैं 6s प्लस से आईफोन 5 पे स्विच हुआ हूँ। तो मैंने देखना था सिर्फ कि इस फ़ोन में क्या इतना कैपेबल है, ये हमारे जो सॉफ्टवेयर आजकल चल रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर हैं, क्या ये उन सॉफ्टवेयर्स को अच्छी तरह चला पाएगा। तो उसके लिए मैंने इसमें अपने सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल किए और इसको अपने यूज़ में रखा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये फ़ोन जो है एक अच्छी प्राइस में पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसका जो प्रीमियम डिज़ाइन है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट आईफोन है। और इसमें जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये उनको बहुत एफिशिएंटली चलाएगा। मुझे नहीं पता, शायद ये मुझे करना चाहिए नहीं, मैं आपको हर एक ऐप जो है वो खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये बैकग्राउंड पे मेरे पास सारी ऐप्स खुली हुई थी तो मैं ये उनको आप ये देख सकते हैं। आई मीन 1 GB की रैम है और ऑन पेपर जो स्पेक्स हैं इसकी आप उसमें नहीं जाइए, लेकिन ये फ़ोन जो है आपके जो डेली टास्क होते हैं, जो आपकी एक सोशल मीडिया का जो एक होता है, तो ये उन सारे सॉफ्टवेयर्स को जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और स्नैपचैट, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। बहुत एफिशिएंट फ़ोन है और 10.3.3 का इसका अभी iOS है। तो जो आईफोन 5s है वो 11 जो iOS है उस पर जाके थोड़ा सा स्लो मुझे फील हुआ है। बाकी इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली काम कर रहा है, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि आप ये फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं अपना फ़ोन तो इसकी बैटरी को आपको दिन में तकरीबन एक बार आपको बीच में जो है ना, अगर आप उसको सुबह फुल चार्ज करके निकलते हैं तो आपको तकरीबन हाफ़ यानी 5-6 बजे तक जो 5-6 बजे तक आप आकर आपको इसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। बाकी जो यूज़ के लिए है, जो रफ़ यूज़ के लिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर किसी के पास 2 फ़ोन्स होते हैं, तो ये रफ़ यूज़ के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसका कैमरा आज के जो प्रेजेंट मिड रेंज फ़ोन्स हैं उनको ये ईज़ली बीट कर देगा, बहुत एफिशिएंट कैमरा है। और बाकी परफॉर्मेंस में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ही बटर स्मूथ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक मिड रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप बजाय इसके कि आप कुछ किसी दूसरी ब्रांड पर जाएं, आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। ये फ़ोन बहुत अच्छा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास मज़ीद भी वीडियोज़ लेके आऊँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे जो अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है फ़ोन के हिसाब से वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।